ओहे वैष्णव ठाकुर दया सागर के दासे करुणा दिया पद छाया शोध हे आमाय तुमार चरण धरी दिया पद छाया शोध हे आमाय तुमार चरण धरी ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी छय बेग दमी छय दोष शोधि छय गुण देह दासे छय बेग दमी छय दोष शोधि छय गुण देह दासे छय सत संग देह हे आमारे बसे संगे रयासे छय सत संग देह हे आमारे बसे संगे रयासे ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी ओ हे वैष्णव एक पिया मार नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तने मार नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तने तुमे कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने तुमे कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम देह कृष्ण नाम धने कृष्ण से तुमार कृष्ण दीते पार तुमार शक्ति आछे कृष्ण से तुमार कृष्ण दीते पार आमी तो कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली भाई तब पाछे पाछे कृष्ण कृष्ण बोली भाई तब पाछे पाछे भाई तब पाछे पाछे आमी भाई तब पाछे
Krishna Bhattakur Dayala Sagar Sita Shri Karunakari Hare Krishna Bhattakur Dayala Sagar Sita Shri Karunakari तो ये वैष्णव वंदना है। अभी हम जो दर्शन के लिए गए थे श्री श्री राधा दामोदर मंदिर, वहाँ पर आप लोग दर्शन किए हैं, परिक्रमा किए हैं। वृंदावन में जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें से एक प्रमुख मंदिर है, तो इसको तो आप लोग दर्शन करके आए। वहाँ जादवपति प्रभु भी बताया आप लोगों को थोड़ा बहुत, और बाकी जिन जिन मंदिरों का हम दर्शन नहीं किए हैं उन मंदिरों और गोस्वामियों के और जो सेवित विग्रह है यहाँ पर, उसको अभी हम कान से दर्शन करेंगे। आँखों से दर्शन करके आए राधा दामोदर मंदिर, और यह राधा दामोदर मंदिर में इसकी महत्व तथा इसकी महिमा विशेष रूप से हमारी परंपरा में ये अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिर है। श्रील प्रभुपाद जी उसी मंदिर में रहकर वृंदावन में जब थे, मतलब अमेरिका जाने के पूर्व वृंदावन में रहते थे प्रभुपाद जी, संन्यास ग्रहण के बाद यहाँ पर वृंदावन में रहे और यहाँ पर भजन किए। वहीं पे उन्होंने भगवद गीता के कमेंट्री तात्पर्य लिखे हैं, माधुकरी करते थे, पुस्तक लिखते थे और वहाँ पर सेवा करते थे, जादवपति प्रभु ने बताया था आप लोगों को। तो यहाँ पर वृंदावन में, ब्रजधाम में, बाकी जो प्रमुख मंदिरों हैं उस उन विषय में हम बात करेंगे। जहाँ से हम गए थे रिक्शा करके ये परिक्रमा मार्ग में, पहला दर्शन आता है कृष्ण बलराम वृक्ष। यहाँ से अगर प्रारंभ करेंगे, कृष्ण बलराम वृक्ष आप में से कौन कौन देखे हैं? मेरे साथ जो आए हैं उनको बताया कि ये कृष्ण बलराम वृक्ष है, वो जगह दिखाया है ना। उसके बाद कालीदह आता है। कालीदह, दह का मतलब नदी के, कभी कभी कुछ स्थान ऐसी स्थान होती है जहाँ गहराई बहुत ज़्यादा होती है, उसको दह कहलाते हैं। नदी होती है ना यमुना जी, तो कोई भी नदी हो, कुछ कुछ स्थान में उसका गहराई बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा गहराई, ऊपर से पता नहीं चलती, ऐसे स्थान को दह कहलाती है। दह मतलब गहरी स्थान, गहरी है, बहुत गहरी है। तो कालियानाग के नाम आप लोग सुने हैं, यहाँ पर भगवान कालियानाग को दमन किए थे। कालियानाग के विष के प्रभाव से ब्रज के गाय बछड़े तथा ब्रजवासीगण वैसे अतिष्ट हो चुके थे कि उनके विष के प्रभाव से लोगों के शरीर में जलन होता था, और अगर कोई यमुना जी के जल पी लेते थे तो उसका मृत्यु हो जाता था, इतना जहरीला थे कालियानाग। उस कालियानाग की दमन लीला आप लोग जानते हैं, वही कालीदह स्थान है। तो हम अगर कालीदह के विषय में, कालियानाग के विषय में बात करते रहे तो घंटे पर घंटा चलेगा, वो बात नहीं है, हमें बाकी और जगह के बारे में भी सुनना है। तो कालीदह के बाद जो स्थान आता है, दामोदर मंदिर पहुंचने से पहले जो जो जगह है उन जगह के बारे में बता रहा हूँ। तो उसके बाद चीरघाट आती है। ब्रज में चीरघाट दो स्थान पर है, एक यमुना के इस तट पर चीरघाट है। चीर शब्द का अर्थ वस्त्र, कपड़े। तो यमुना जी के वहाँ पर, पहले यमुना जी इस तरफ जहाँ पे आप देख रहे हैं ना, अभी रोड परिक्रमा मार्ग बन गया। एक्चुअली यमुना जी पहले बिल्कुल परिक्रमा मार्ग के पास बहती थी, अभी यमुना जी उधर थोड़ी दूर चली गई,
उनके प्रभाव थोड़ी दूर चले गए तो वहाँ चीरघाट, वहाँ पर दो कदम्ब वृक्ष है, उस कदम्ब वृक्ष पर कृष्ण ये जो वस्त्र हरण लीला किए थे गोपियों का, ठीक है, तो वह स्थान वो है चीरघाट। चीरघाट के आगे है आपका मदन मोहन मंदिर। मदन मोहन मंदिर, भगवान मदन मोहन के जो मंदिर है अभी, उसका पहले ये बहुत ऊंचा थी, बहुत ऊंचाई थी ये मदन मोहन मंदिर। जब औरंगजेब ने उनके सैनिकों ने जब ब्रज आक्रमण किया, मंदिर को तोड़फोड़ किए, तो उस समय गोविंद देव जी मंदिर भी है यहाँ पर, मदन मोहन मंदिर, गोविंद देव मंदिर, अधिकतर मंदिरों को तोड़ दिए थे औरंगजेब ने। एक्चुअली औरंगजेब ने मंदिरों पर आक्रमण नहीं किया था, उनके एक सेनापति था जिसका नाम था काला पहाड़, उन्होंने ये सब काम किया था। और काला पहाड़ की जो कथा है, वे एक ब्राह्मण था, बाद में मुस्लिम इस्लाम धर्म में धर्मांतरित, बाय फोर्स बलपूर्वक उनको इस्लाम धर्म में धर्मांतरित किया गया था, और औरंगजेब के दामाद थे, ठीक है। तो काला पहाड़ ने सारे मंदिरों को पर आक्रमण किए थे, दो बार ब्रज में उन्होंने आक्रमण किया, पहली बार और दूसरी बार, दो बार किया था। तो ये जब पहली बार आक्रमण हुआ, मंदिरों को तोड़े, उसके बाद जयपुर के राजा जय सिंह ये सारे मंदिरों को, ये मंदिरों से विग्रह को जयपुर में ले गए थे। बाद में इन मंदिरों में उन विग्रहों के प्रतिभू विग्रह स्थापित किया गया। राजा जब यहाँ से विग्रह को लेके चले गए, तो वृंदावन में ब्रजधाम की नहीं तो अगर मंदिर हैं और विग्रह नहीं है, तो इतने पवित्र, इतने महिमा मंडित इस धाम का क्या महत्व रहेगा। इसलिए बाद में जयपुर के राजा ही ये सारी प्रतिभू विग्रह निर्माण करके वृंदावन में भेजे, और इन मंदिरों में सभी प्रतिभू विग्रह है, मूल विग्रह जयपुर में है, अधिकतर विग्रह जयपुर में है। कुछ विग्रह यहाँ पर, एक दो विग्रह जो ओरिजिनल जो मूल विग्रह गोस्वामियों द्वारा सेवित विग्रह यहाँ पर है, जैसे राधा रमन जी, राधा गोकुलानंद, ऐसे कुछ विग्रह है, अधिकतर विग्रह राजस्थान में जयपुर में है। तो मदन मोहन मंदिर, ये मदन मोहन की प्राप्ति के विषय में हम थोड़ा संक्षेप में सुनेंगे, बहुत लंबी इतिहास है मदन मोहन जी की। मदन मोहन विग्रह अभी करौली में है, आप लोग आप में से कितने व्यक्ति करौली दर्शन किए हैं? राजस्थान के होके भी करौली दर्शन नहीं किए? जरूर करना चाहिए, करौली यात्रा भी करना चाहिए, है ना। करौली में मदन मोहन, मदन गोपाल, जितने भी गोस्वामियों के जो सेवित विग्रह है, अभी वृंदावन में जो भी सेवित विग्रह, जो भी विग्रह है, वे अधिकतर विग्रह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र वज्रनाभ, प्रद्युम्न के पुत्र वज्रनाभ द्वारा निर्माण किया गया है। वज्रनाभ ने सारे विग्रह निर्माण किए, करवाया, वज्रनाभ द्वारा निर्मित। तो मदन मोहन वज्रनाभ द्वारा निर्मित विग्रह है, और जो मदन गोपाल विग्रह है, आइए, मदन गोपाल जो विग्रह, वे स्वयंभू, स्वयंभू विग्रह है, स्वयं प्रकट हुए, समझे, मदन गोपाल। बाकी गोविंद, राधा, जो गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी,
या हम गोवर्धन काल चलेंगे वहाँ पे आपको जो क्या नाम है उनका मानसी गंगा के तट पर है हरिदेव, फिर गिरधर गोपाल है ना, गिरधर गोपाल ये सभी वज्रनाभ द्वारा निर्मित है, पर मदन गोपाल विग्रह स्वयंभू है। आप करौली जाएंगे गोपाल मदन मोहन तो अलग अलग है, मदन गोपाल जो है वो स्वयंभू विग्रह है। वे एक्चुअली मदन गोपाल स्वयं स्वप्रकाशित और इसकी आराधना सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने किए थे, ठीक है, ब्रह्मा जी ने इसकी आराधना किए थे ब्रह्मलोक में। जब असुरों ने स्वर्ग राज्य आक्रमण किए और स्वर्ग लोक से समस्त देवताओं को निकाल दिया था असुरों ने, असुरों के साथ देवताओं के कई बार युद्ध हुआ है ना, संघर्ष हुआ, कभी देवताओं हर जाते थे तो कभी असुरों का जय होता था, कभी देवताओं का विजय होता था। तो जब देवताओं को स्वर्ग लोक से निकाल दिया था असुरों ने, तो समय समस्त देवताओं ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को यह मदन गोपाल विग्रह दिए थे सेवा के लिए। तो देवराज इंद्र स्वर्ग लोक में मदन गोपाल की सेवा कर रहे थे, वही विग्रह अभी आप करौली में दर्शन करोगे जो स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा सेवित है, स्वयं ब्रह्मा जी प्राप्त किए थे इस विग्रह जो इस ब्रह्मांड के रचनाकार है ना। तो फिर उसके बाद स्वर्गलोक में रहे मदन गोपाल जी और देवराज इंद्र द्वारा वो सेवित होते रहे। जब त्रेता युग में रावण स्वर्ग राज्य आक्रमण किया, तो उस समय रावण स्वर्ग लोक से मदन गोपाल को लंका में ले गए। रावण मदन गोपाल को लंका में ले गए थे वहां से स्वर्ग लोक से, और वहां पर विभीषण और उनके पत्नी इनकी सेवा करते थे, रावण के छोटे भाई विभीषण जी और उनके पत्नी सरमा, ये दोनों मदन गोपाल की सेवा करते थे। तो ये जो कथा में जस्ट मेन पॉइंट ऐसे बता के जा रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो इसी मदन गोपाल में रात बीत जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जब भगवान श्री रामचंद्र लंका आक्रमण किए और राम भगवान श्री रामचंद्र रावण का युद्ध हुआ, रावण वध हुए, विभीषण को राजा किए लंका का, तो उस समय भगवान श्री रामचंद्र उनको लेकर अयोध्या में आ गए। विभीषण ने उन्हें भेंट दिए थे मदन गोपाल को, भगवान श्री राम के मित्रता के लिए उनको एक उपहार के रूप में मदन गोपाल उन्हें भेंट दिए थे भगवान श्री राम को। अब मदन गोपाल अयोध्या में आ गए, अयोध्या में माता सीता जी मदन गोपाल की सेवा करती थी। जब भगवान श्री रामचंद्र अपने बाकी तीनों भाइयों को अपने राज्य का बंटवारा किए, शत्रुघ्न को जब मथुरा प्रदेश शासन के लिए भगवान श्री रामचंद्र शत्रुघ्न को यह मथुरा प्रदेश का राजा बनाया, शत्रुघ्न शासन करते थे मथुरा प्रदेश, मथुरा के राजा हुए वो, लवणासुर को वध किए शत्रुघ्न, मधुबन नाम के वन है यहाँ से थोड़ी दूर में है, मधुबन वहीं पे लवणासुर की गुफा है, उसी मधुबन में ध्रुव महाराजा के तपस्या किए थे वो जगह है। तो जब शत्रुघ्न मथुरा प्रदेश में आए, तो वे भगवान से मदन गोपाल को
भगवान श्री राम से कहा कि मैं इस मदन गोपाल को मथुरा में ले जाऊंगा। अब शत्रुघ्न ने अयोध्या से मथुरा लाए मदन गोपाल को। इस प्रकार मदन गोपाल भ्रमण कर रहे हैं, कहाँ से, ब्रह्मलोक से शुरू किया भ्रमण हुआ मदन, अभी करौली में विराजमान है मदन गोपाल। तो वे जब ये मथुरा प्रदेश में लाए शत्रुघ्न मदन गोपाल को, यहाँ पे वो सेवा करते रहे। इसके बाद काफी समय तक इसकी कोई हिस्ट्री मिलता नहीं, पता नहीं है क्या हुआ। द्वापर में के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण की आविर्भाव हुई, और जब कृष्ण बलराम जब मथुरा आए थे, अक्रूर जी जब उन्हें मथुरा लाए थे कंस के धनुर्यज्ञ में पार्टिसिपेट करने के लिए, अक्रूर जी लेके आए थे ना कृष्ण बलराम को, तो उस समय यमुना पार करने के बाद कृष्ण बलराम अक्रूर जी से कहा कि चाचा जी, हम तो गांव के लड़के हैं, हमने कभी शहर देखा नहीं, मथुरा सिटी हमने देखा ही नहीं कभी, तो इसीलिए हमारी बहुत इच्छा है कि हम थोड़ा शहर को घूम के फिर हम आते हैं, तब तक आप चलिए, हम बाद में आएंगे हम दोनों। तो कृष्ण बलराम उस समय कितना, 8 वर्ष के बालक, 8 साढ़े 8 वर्ष के बालक थे, 8-9 वर्ष के बीच में थे। तो दोनों भाई ने कहा अक्रूर जी को कि आप आगे चलिए, तब तक हम थोड़ा शहर को घूम के इधर से थोड़ा देख के आते हैं, हम गांव में कभी शहर देखा ही नहीं हमने। तो यह कहा तो कृष्ण बलराम तो उस समय जब मथुरा में आ रहे थे, पहले दर्शन हुआ कृष्ण बलराम, पहले किससे मिले, धोबी से मिला, जो यमुना के तट पर कपड़ा धो रहे थे, सुखा रहे थे। तो धोबी से कहा कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम ने, गांव का लोगों का कपड़ा कैसा होता है, अच्छा नहीं है ना, तो कृष्ण बलराम ने धोबी से कहा, अरे तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, हम दोनों को 2 कपड़े दे दो, है ना, हम गांव से आए हैं, हमें हम दोनों को 2 सेट कपड़े दे दो। तो धोबी ने कहा, अरे हाँ बदतमीज बालक, जानते हो ये किसके कपड़ा, ये है राजा कंस के कपड़ा, एक्चुअली वो राजा कंस के वो पर्सनल धोबी था, राज धोबी थे। तो वो जब ऐसा कहा कि अगर राजा कंस को पता चलेगा ना तो तुम्हें मार डालेगा, उनको तो पता नहीं था ये कौन है क्या है। तो बलराम की गुस्सा आ गया, और ऐसे गुस्सा आया तो वो धोबी को एक मुक्का मारा, वहीं पे गाड़ दिया उसको, एक मुक्का मार के उसी पे, जो यमुना के घाट पे ही, उसी पे गाड़ उसको, जमीन पर गाड़ दिया उसको एक मुक्का मार के। एक्चुअली वो धोबी भगवान श्री राम के लीला में वो थे, और तब से लक्ष्मण जी का गुस्सा था उनके ऊपर, उनके कारण ही भगवान को, सीता जी को वनवास में भेजना पड़ा था, क्योंकि एक बार भगवान श्री रामचंद्र सिविल ड्रेस में अयोध्या घूम रहे थे, अयोध्या वासी क्या सोचते हैं है उनके बारे में, कि रावण, राक्षस रावण सीता जी को हरण करके लेके गए थे, इस विषय में राज्यवासी नागरिकगण क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए भगवान श्री राम ने अयोध्या नगरी है सिविल ड्रेस में घूम रहे थे, किसका क्या विचार है हमारे विषय में। तो जिस समय वो ऐसे सिविल ड्रेस में घूम रहे थे, तो एक घर के पास वो जब जा रहा था, तो वो दोनों पति पत्नी लड़ रहे थे, झगड़ा कर रहे थे पति पत्नी का। तो राम, भगवान राम ने वहाँ पर कुछ समय रुक गए, तो उन दोनों का बात सुना, पत्नी यह बोल रही थी उनसे जो झगड़ा हो रहा था, यह सुनकर उनके पति जो आगे चलकर कृष्ण लीला में जो धोबी बने थे वो उस समय, तो व्यक्ति अपने पत्नी को कहा कि तू मेरे को क्या श्री रामचंद्र समझा क्या, तू कुछ भी करोगे
और मैं तुम्हें हाँ तुम्हें स्वीकार कर लूंगा, ऐसा कहा। तो यह सुनकर भगवान श्री राम ने समझा, मतलब माता सीता के बारे में राज्यवासी का गलत धारणा, गलत विचार है। अगर राज्यवासी सीता जी के लिए ऐसा सोचेंगे तो ये अपराध करेंगे, इसका अपराध होगा और इस अपराध के कारण ये लोग नरक में जाएगा। मैं भगवान होकर और ये सभी मेरे प्रजाएं, मेरे संतान है, मेरा कर्तव्य है इनकी रक्षा करना। इसीलिए राज्यवासियों को सुरक्षा के लिए भगवान ने यह लीला किया, माता सीता जी को वनवास में भेजा। अगर ऐसा नहीं करते, उनका अग्नि परीक्षा ली, ये सब कुछ किया राज्यवासी की सुरक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी। जिससे राज्यवासी के मन में यह विश्वास हो जाए, नहीं सीता जी परम पवित्र है, यह प्रमाण का प्रूफ करने के लिए भगवान ने लीला किए थे। परंतु लक्ष्मण जी ये सहन नहीं कर पाए थे, ये इसके कारण हाँ सीता जी को इतना दुख झेलना पड़ा था। अब तो मेरे को हाँ चांस मिल गया, वही व्यक्ति थे ना, तो उसको ऐसे मुक्का मारा तो यहीं पे जमीन पे गाड़ दिया था उस धोबी को। फिर वो दोनों भाई अपना पसंद करके, चॉइस करके, बहुत से कपड़े थे राजा कंस का, उनमें से जो अच्छा लगा दोनों भाई दो सेट ड्रेस पहन लिया। अब कंस का साइज फिगर और कृष्ण बलराम का फिगर बिल्कुल तो जोकार जैसा लग रहा था ना, छोटा छोटा 8-9 वर्ष के बालक अगर एक कंस राजा का ड्रेस पहन लेगा तो कैसा लगेगा, जोकार जैसा लग रहा था। ऐसे जोकार की तरह शहर में जा रहे थे। बलराम ने कहा कि कन्हैया हमारी ड्रेस कपड़ा तो अच्छा है पर हमें सूट नहीं कर रहे, हमारी साइज से सूट नहीं हो रहे। तो रास्ते में एक टेलर देखा, दर्जी का दुकान देखा, तो उस दर्जी से दर्जी के पास गया, जाके कहा कि भाई साहब हमारे माप के अनुसार इस कपड़ा को सिल दो, जैसे हमारे साइज के हिसाब से। फिर दर्जी ने उसको ये किया, वो दर्जी आगे चलकर इसका भी कथा है, वो जगन्नाथ जी का ड्रेस बनाए थे बाद में, जगन्नाथपुरी के ड्रेस, वो दिल्ली में फिर वही दर्जी के रूप में थे, वही दर्जी जो कृष्ण लीला में थे, उसका कथा अलग है, उधर हम नहीं जाएंगे, ट्रैक चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार वहाँ पे दर्जी के पास, टेलर के पास अपने हिसाब से वो कपड़ा सिल कर पहन कर फिर कृष्ण बलराम मथुरा के शहर के अंदर जब आ रहे थे, कुब्जा नाम के भगवान के एक भक्त थे। कुब्जा, कुब्जा मतलब, कुब्जा एक महिला थी जो ऐसे मतलब वो सीधा नहीं चल पाती थी, विकलांग थे वो, थोड़ा विकलांग थे ऐसे, मतलब वो झुक कर ऐसे स्टिक के बल पर चलती थी क्योंकि वो विकलांग थी, पर वो भगवान के परम भक्त थे। तो कुब्जा ने कृष्ण बलराम को देखकर पहचान लिया कि मेरा आराध्य देव है। उन्होंने, कुब्जा ने दोनों भाइयों को इनवाइट किया अपने घर में और उनकी सेवा की। उन्हें, कृष्ण बलराम को कुब्जा ने अपने घर में इनवाइट किया, शहर रास्ते में जा रहे थे ना, तो कुब्जा ने इनवाइट किया और उनका हाँ चरण धोया, उनका पूजा किया, उनका सेवा की, उनका आराधना, पूजा आरती सब कुछ किया, क्योंकि वो देखकर समझ गए परम भगवान है। कुब्जा के पास सेवा प्राप्त करने के बाद भगवान कृष्ण बलराम कुब्जा को वरदान देना चाहा। कुब्जा ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप वरदान देना चाहते हैं आप यहीं पर रहिए, यहाँ से जाइए मत। कृष्ण बलराम, कृष्ण ने कहा ये तो नहीं हो सकता, अभी तो हम मामा जी के फंक्शन में जा रहे हैं, अभी हम कैसे रुकेंगे, अभी मामा जी के घर पर आए हैं और मामा जी के वहाँ फंक्शन चल रहा है, अभी तुम्हारे घर पर हम कैसे रुकेंगे, ये तो नहीं हो सकता। तब कुब्जा ने कहा नहीं, मुझे और न कोई दूसरा वर नहीं चाहिए। तब भगवान कृष्ण ने वही मदन गोपाल विग्रह प्रकट करके
जो राजा शत्रुघ्न के बाद उनका सेवा कैसे हुआ क्या हुआ कोई ठिकाना नहीं थी, कोई इतिहास भी नहीं मिलती है। फिर भगवान कृष्ण पुनः कुब्जा को यह मदन गोपाल विग्रह दिए। कुब्जा को कहा कि तुम इनकी सेवा करो और इनमें मुझ में कोई अंतर नहीं है। कुब्जा ने कहा नहीं मुझे वो कुछ नहीं चाहिए, आप रुको, आप चाहिए आप ही यहाँ पर रुको। तो कृष्ण ने कहा ऐसा है ठीक है तो मैं रुकता हूँ, मैंने कहा ये मदन गोपाल और मुझ में कोई अंतर नहीं है तो मदन गोपाल को जाने दो, मैं रुक जाता हूँ। अब मदन गोपाल चलकर जाने लगे और कृष्ण खड़े रहे। यह देखकर कुब्जा बोला नहीं 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 मुझे ये चाहिए। जब मदन गोपाल जा रहे थे विग्रह जब चलकर जा रहे और जाके पकड़ लिए, कुब्जा ने जाके मदन गोपाल को पकड़ लिया और पकड़ के कहा नहीं मुझे, मैं ये विग्रह नहीं दूंगी। तो कृष्ण ने कहा तो इधर इसको रखो या तो मेरे को रखो, दोनों मैंने कहा दोनों हम में से कोई अंतर नहीं है। फिर अंत में कुब्जा मान गए और कुब्जा मदन गोपाल को रख लिए और तब से कुब्जा उनकी सेवा करने लगे। फिर आगे चलकर यह मदन गोपाल जब इस मथुरा में उनकी सेवा होते कुब्जा के बाद, उसका कुछ समय के लिए उनका इतिहास नहीं मिलती। जब कलियुग आए उसके बाद यह मदन गोपाल विग्रह के विषय में जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, कलियुग प्रारंभ हुए, आविर्भाव चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पहले अद्वैत आचार्य प्रभु ब्रज में आए थे वृंदावन में। अभी जो मदन मोहन मंदिर हम देख के आए रास्ते में, वे मदन मोहन मंदिर, उसके पास मदन मोहन मंदिर के पास से जो रास्ता जो गली बांकी बिहारी की तरफ जाती है, बांकी बिहारी मंदिर, यानी मदन मोहन मंदिर से ऊपर से नीचे उतारने के बाद बांकी बिहारी की तरफ जाओगे 100 फीट मैक्सिमम, 100 फीट आगे जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में बाएं हाथ की तरफ अद्वैत बट नाम की एक जगह है। वहीं पे अद्वैत आचार्य प्रभु जो पंचतत्व भगवान में के एक है, अद्वैत आचार्य प्रभु, हम पंचतत्व भगवान के प्रणाम मंत्र गाते हैं ना हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन से पहले, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, अद्वैत अद्वैत आचार्य प्रभु। अद्वैत आचार्य प्रभु एक्चुअली भगवान महाविष्णु और भगवान शिव जी का कॉम्बाइंड रूप है। अद्वैत आचार्य महाविष्णु और शिव जी दोनों के कॉम्बाइंड रूप है अद्वैत आचार्य प्रभु। महाविष्णु के अवतार शिव जी, सदाशिव, सदाशिव और महाविष्णु के कॉम्बाइंड रूप है। तो अद्वैत आचार्य प्रभु गौरांग महाप्रभु के लीला को प्रकट करने के लिए पहले उनका आविर्भाव हुआ, उन्होंने इस ब्रजधाम में आए और वहाँ पर उसी स्थान पर जहाँ अद्वैत भट उस बट वृक्ष के नीचे वहाँ पर वो भजन करते थे अद्वैत आचार्य प्रभु। तीसरे दिन उनको स्वप्न में मदन गोपाल दर्शन दान किए कि अद्वैत मैं तुम्हारे लिए कब से मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तुम कब आओगे ब्रज में और मेरा सेवा प्रारंभ करोगे, मैं इसी बट वृक्ष के नीचे झाड़ियों के अंदर मिट्टी के अंदर मैं हूँ, मेरा कोई सेवा नहीं कर रहा है। स्वप्न में अद्वैत आचार्य प्रभु ऐसा स्वप्न में मदन गोपाल उनको दर्शन दे के ऐसा कहा। तो सुबह होते ही अद्वैत आचार्य प्रभु ने उस झाड़ियों को साफ करके वहाँ से मदन गोपाल को निकाला और फिर उनकी सेवा पूजा प्रारंभ की। अद्वैत आचार्य प्रभु मदन गोपाल की सेवा करते थे, मदन गोपाल उनके साथ साक्षात बात करते थे, विग्रह साक्षात उनसे बात करते थे, बात उनसे ये करते थे, उनकी सेवा ग्रहण करते थे। इस प्रकार से अद्वैत आचार्य प्रभु के द्वारा जब सेवा चल रहा था, एक दिन मदन गोपाल अद्वैत आचार्य प्रभु से कहा कि अद्वैत मैं तुम्हारे प्रेम के बसीभूत हूँ,
तुम्हारे प्रेम के कारण, हाँ इतना तुम्हारे प्रेम मुझे पूरा बसीभूत कर लिया, बांध लिया। पर अगर ऐसा ही चलते रहे तो मेरे लीलाओं का प्रकाश कैसे होगा? इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरे को मथुरा में, क्या नाम था, और दामोदर चौबे के हाथ पर मुझे समर्पित करो, और यहाँ से तुम गोड़ देश में चला जाओ। मैं कुछ ही दिनों में गोड़ देश में मैं आविर्भूत होऊंगा और कलि युग के युग धर्म का प्रचार करूंगा। स्वयं भगवान मदन गोपाल यह अद्वैत आचार्य जो प्रभु को यह आदेश दिया, यह सुनकर अद्वैत आचार्य प्रभु मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। होश में आकर उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु मैं आपके बिना जीवन धारण नहीं कर सकता, अगर आप कहीं और चले जाएंगे तो मैं अपना जीवन धारण नहीं कर सकता, तो इससे अच्छा यही होगा कि मैं यहीं पे अपना प्राण त्याग दूं। फिर कुछ समय बाद अद्वैताचार्य प्रभु जब होश में आए, विचार किए, ये भगवान का आदेश है, मेरा कर्तव्य है उनके आदेशों का पालन करना, तो इसीलिए उन्होंने मदन गोपाल को मथुरा में आके दामोदर चौबे नामक व्यक्ति को अर्पित किए उनकी सेवा। उधर दामोदर चौबे को भी भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि ऐसे एक बाबा जी आएंगे और मेरे को तुम्हारे पास छोड़ के जाएंगे, मैं तुम्हारी प्रेम के वशीभूत हूँ और तुमसे तुम्हारी सेवा स्वीकार करना चाहता हूँ, और इस तरह अद्वैत आचार्य को भी आदेश प्रदान किए। तो अगले दिन अद्वैत आचार्य को वो मथुरा में जाके दामोदर चौबे को मदन गोपाल विग्रह अर्पित कर दिए, और वापस आके उन्होंने सोचा मेरा ये जीवन व्यर्थ है, बेकार है, और भगवान ही मेरे को छोड़कर चला गया तो मैं क्या करूँ। यह सोचते हुए उन्होंने यमुना की ओर आगे चल पड़े और यमुना में अपना प्राण त्यागने का विचार किया कि मैं यमुना में अपना प्राण त्याग दूंगा। तो इसीलिए यमुना की तट पर जैसे पहुंचे तो मदन गोपाल वहां पर प्रकट हुए और कहा कि अद्वैत ऐसा मत करो, तुम मेरे लीलाओं के नित्य संगी हो, साथी हो, और तुम्हारे बिना मैं इस संसार में अपने लीलाओं को कैसे प्रकट करूं, तो इसीलिए ऐसा मत करो, तुम यहाँ से सेवा कुंज में जाओ। वहाँ से आगे चलकर से जो हम राधा दामोदर मंदिर गए थे, सेवा कुंज उसके पास में ही है, हमारे टाइम नहीं था दर्शन करने जाने के लिए, तो तुम यहाँ से सेवा कुंज में जाओ, उस सेवा कुंज में चित्रलेखा सखी मुझे एक चित्रपट मेरे को उपहार दिया था झूलन उत्सव में, मैं बताया था ना, तो वो चित्रपट और मुझ में कोई अंतर नहीं, हम दोनों एक ही है, तुम उस चित्रपट को साथ में ले जाओ। जैसे ऐसा कहा तो अद्वैताचार्य जब वो सेवा कुंज में आए और वो चित्रपट उनको मिला और वो चित्रपट ले गए थे, वो चित्रपट और भगवान। मदन गोपाल ने कहा हम अभिन्न है, हम इसमें कोई अंतर नहीं, अभी भी शांतिपुर में नवद्वीप धाम शांतिपुर में वहाँ पर वो चित्रपट सुरक्षित है, हाँ, और वो ऐसे ही सभी को दर्शन नहीं करवाते इतना पुराना, पर वहाँ के जब पुजारी रहते हैं कोई भक्त, ऐसे परम हमारी परंपरा के कोई वैष्णव कोई भक्त जाते आग्रह करते हैं तो पुजारी दर्शन करवाते हैं, तो चित्रपट ले गए थे अद्वैताचार्य प्रभु, और इधर मदन गोपाल दामोदर चौबे के घर पर सेवा प्राप्त कर रहे थे। कुछ समय के बाद जब सनातन गोस्वामी वृंदावन आए, है ना, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव भी हो वहाँ पर, सब कुछ हो गया, उसके बाद सनातन गोस्वामी जी जब वृंदावन आए तो सनातन गोस्वामी जी अभी जो मदन मोहन मंदिर है उस जगह का
हाँ वहाँ एक टीला जैसे ऐसे टीला समझते हैं ना सर, टीला जैसे था, वहाँ पर सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर अभी भी है। तो उस समय मंदिर तो नहीं था सनातन गोस्वामी, बाद में वो मंदिर बने, तो सनातन गोस्वामी जी वहाँ पर भजन करते थे। उस टीला का नाम है द्वादश आदित्य टीला, जहाँ पर मदन मोहन जी के मंदिर है उस स्थान का, उस टीला का नाम है द्वादश आदित्य टीला। द्वादश आदित्य टीला नाम इसीलिए हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण काली और नाग को दमन करने के बाद यमुना के जल के अंदर से जब बाहर आए तो काफी लंबी समय तक यमुना के जल के अंदर थे। काली और नाग को दमन करते समय काफी समय सारे ब्रजवासी चिंतित हो गए थे, कृष्ण बहुत लंबी समय तक यमुना के अंदर थे, बाहर आए ही नहीं सभी लोग। और हाँ, खून ऊपर आ रहा था, वो तो कालियाना के मुंह से वो खून आ रहा था। सारे ब्रजवासी इतने चिंतित हो गए थे, कृष्ण का क्या हुआ, अभी तक बाहर ही नहीं आ रहे, है ना। काफी लंबी समय जल के अंदर रहने के कारण हाँ कृष्ण को ठंड लग रहा है, इसीलिए सूर्यदेव भगवान को शरीर को तपाने के लिए, शरीर को गर्म करने के लिए सूर्यदेव ने 12 सूर्य में डिवाइड हुए। भगवान जब यमुना से बाहर आए उस टीला के ऊपर गए हाँ धूप में खड़े होकर शरीर को तपाने के लिए, जैसे हम जब हाँ नहाने के बाद थोड़ा धूप में जाके खड़े होते हैं ना, तैसे भगवान वहाँ से यमुना जी के वहाँ से काली नाग को दमन करने के बाद उस द्वादश आदित्य टीला जो नाम उस टीला के ऊपर जाके खड़े हुए, तब सूर्यदेव भगवान की इस प्रकार से सेवा की कि सूर्यदेव स्वयं को 12 रूप में डिवाइड किया। द्वादश मतलब 12, हाँ पूरा हीटर है, 12 हीटर लगा दिया भगवान को और भगवान के शरीर को हाँ तपाया, गर्म किया, इसीलिए उस जगह टीला का नाम है द्वादश आदित्य टीला। तो वहां पर सनातन गोस्वामी भजन कर रहे थे, जब ब्रज में आए वहां पर भजन करते थे। वहां से सप्ताह में एक दिन दो दिन माधुकरी करने के लिए, भिक्षा करने के लिए मथुरा में, उस समय वृंदावन में कुछ नहीं था, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला था, केवल जंगल था और कुछ नहीं था। जो लोग बाबा जी लोग यहाँ भजन करते थे उनको मथुरा जाना पड़ता था या ब्रज किसी और गांव में जाना पड़ता था भिक्षा के लिए। तो सप्ताह में एक दिन कभी कभी वो जाते थे मथुरा में माधुकरी करने, माधुकरी मतलब भिक्षा करने। तो जब माधुकरी करने भिक्षा करने जब मथुरा गए, एक दिन सनातन गोस्वामी ने देखा कि मथुरा में ऐसे कुछ बालक शाम के समय ऐसे खेलते हैं ना एक साथ, तो एक बालक को देखकर वो इतना अट्रैक्टेड हो गए, इतना आकर्षित हो गए सनातन गोस्वामी, वो उनको देखते ही रहा, भिक्षा करना माधुकरी करना सब भूल गया, सब कुछ भूल गया। वो बच्चा खेल रहा था वहीं पे वो बैठ गए सनातन गोस्वामी, बच्चों को खेल देखने लगे, पर वो एक ही बच्चों को वो देखने लगे और उनके प्रति इतना अट्रैक्टेड हो गए वो अपना दृष्टि हटा नहीं सके। और बाद में उन जब बच्चों का खेल खत्म हो गया तो अपने अपने बच्चों लोग अपने अपने घर पे जा रहे थे, सनातन गोस्वामी उस बालक का पीछे पीछे जाने लगे। अब वो बालक दामोदर चौबे के घर के अंदर घुस गए, अब सनातन गोस्वामी उसके पीछे पीछे गए। जैसे अंदर घुसे तो दामोदर फिर वो बालक को दिखाई नहीं, वो अंदर घुस के कहाँ चला गया उसको दिखाई नहीं दिया, पर वो पूरा मतलब बाह्य ज्ञान शून्य हो गया था, कैसे गया कैसे, पूरा इतना अट्रैक्टेड हो गए उस बालक के पीछे पीछे जाके। जैसे दामोदर चौबे के घर के अंदर गए तो दामोदर चौबे की पत्नी बाहर आई, बाहर आके देखा कि एक बाबा जी हाँ साधु महात्मा आया है, तो उन्होंने उनको बैठाया, उनको हाँ जल दिए, आसन दिए, फिर उनको भिक्षा के लिए सामग्री भोजन थाली प्रसाद की थाली भी लाए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा नहीं नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, आपके जो पुत्र है आपके जो बेटा है ना उसको एक बार और बुला दो,
मैं उसको देखना चाहता हूँ। दामोदर चौबे के पत्नी आश्चर्यचकित हो गए। एक्चुअली वो निसंतान थे, दोनों पति पत्नी का कोई बच्चा नहीं था। अब सनातन गोस्वामी ने जब कहा आपकी बच्चे को एक बार, आपके बेटा को, पुत्र को बुलाओ, मैं एक बार उसको और एक बार और देखना चाहता हूँ, मैं चला जाऊँगा, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो दामोदर चौबे के पत्नी आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें कहा, हे बाबा जी, हमारा कोई संतान है ही नहीं। बोला, नहीं, मेरे आगे आगे आके घर में घुसा। कौन घर पे घुसा, कैसा दिखने में? तो वो समय बता रहे थे ऐसा ऐसा इतना सा ऊंचा है। दामोदर चौबे के पत्नी ने सोचा, कौन होगा, कद किधर गया, आप तो पीछे पीछे आए ना, किधर गया, इधर कोई और बालक शायद घुस गया होगा। दामोदर चौबे की पत्नी ने सोचा, बोला, यहाँ से जाके उस दरवाजे के अंदर घुसा, पूजा घर दिखा रहा था, उसको तो पता नहीं था सनातन गोस्वामी को, वो पूजा घर की दरवाजा दिखाया, ओके, इसी दरवाजा के अंदर घुसा। तब दामोदर चौबे पत्नी समझ गई, ये मदन गोपाल है। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी, आप मेरे पुत्र को दिखना चाहते हैं, आ जाइए। तो दिखाया, जैसे दरवाजा खुला वहाँ मदन गोपाल विग्रह के रूप में विराजमान है। तो सनातन गोस्वामी एक बार विग्रह के रूप में देखा, एक बार वो जो बालक रूप में खेल रहा था बालकों के साथ उस रूप में देखा। एक बार बालक के रूप में देख रहे, एक बार विग्रह के रूप में देख रहे। सनातन गोस्वामी समझ गए और उसके बाद वो हर रोज उनके घर पे भिक्षा मांगने, मतलब के अच्छी भिक्षा मांगने के बहाने में वो मदन गोपाल को दर्शन करने आने लगे। जो सप्ताह में एक दिन माधुकर भिक्षा करने जाते थे, और 7 दिन में एक दिन जाके वो जो भी मिलता था उसी को 7 दिन चलाता था, बाकी समय भजन करते थे, पुस्तक लिखते थे, वो व्यक्ति हर रोज मथुरा जाने लगे एवरीडे। हाँ, वो मदन गोपाल को दर्शन करने के लिए। अब दामोदर चौबे के पत्नी का डाउट हो गया, ये बाबा जी एवरीडे आने लगा, अब तो शायद मदन गोपाल इनके साथ भाग जाएगा, अब क्या होगा। तो ये सोच को वो इतना चिंतित हो गए। तो उन्होंने कहा कि देखिए बाबा जी, मैं आपको एक मायना का पूरा सारे रेशन दे देता हूँ, आप हैं, आपको हर रोज आने की जरूरत नहीं है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, नहीं, मत, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये तो जस्ट मेरा बहाना है, मैं तो उनको देखने आता हूँ। तो दामोदर चौबे के पत्नी ने कहा, नहीं, अगले दिन से मैं दरवाजा बंद कर दूंगी, आने नहीं दूंगी। तो सनातन गोस्वामी थोड़ा दुखी हो गए, क्या करे, वापस आए, सोचने लगे। उसी रात को मदन गोपाल सनातन गोस्वामी को स्वप्न में दर्शन दे के कहा कि सनातन, हाँ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, तुम कब आओगे और मेरी सेवा करोगे, तो मैं तुम्हारे प्रेम से बहुत प्रसन्न हूँ। काल दामोदर चौबे और उनके पत्नी दोनों हस्बैंड वाइफ बीमार पड़ जाएगा, है ना, और मैं एक वैद्य के रूप में उनके पास जाऊँगा, और वैद्य के रूप में मैं उनको कहूँगा कि तुम्हारी बीमारी अगर ठीक करना है तो मदन गोपाल को उस बाबा जी को हाथ में अर्पित कर दूँ, ये मैं उनको कहूँगा, और इस प्रकार से मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। यह मदन गोपाल सनातन गोस्वामी को स्वप्न में बताया। और इधर दामोदर चौबे और दिन पति पत्नी को दोनों के स्वप्न में दर्शन दे के कहा मदन गोपाल, देखो काल एक वेद जी आएगा, वो जैसा कहे ऐसा ही करना, तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगा। क्या कहेगा वो बताया नहीं, सपना देख सपना में दर्शन देकर कहा मदन गोपाल कि काल जो वैद्य जी आएगा, वो वैद्य और कोई नहीं, वो भगवान स्वयं है, जो वैद्य आएगा तो वो जैसे कहेंगे तुम लोग ऐसा ही करना, तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगा। तो अगले दिन भगवान वैद्य जी के रूप में आए और ऐसा कहा, तो दोनों इतने दुखी हो गए, फिर दोनों ही हैं मूर्छित हो गए, मदन गोपाल की ऐसे स्वप्न में दर्शन के ऐसे बातों सुनकर, क्या होगा अब हमारा, भगवान हमें छोड़कर चले जाएंगे। स्वयं मदन गोपाल, हाँ,
दोनों को स्वयं विग्रह से प्रकट होकर दामोदर चौबे और उनके पत्नी को अपने गोद में बैठाया, सुलाया, उन्हें हुंस में लाया, जैसे टच किया वो हुंस में आए हैं। और आके भगवान स्वयं साक्षात परम भगवान दर्शन दे के कहा कि देखो हैं, तुम दोनों हमारे परम भक्त हो, प्रिय भक्त हो, अब हमारी लीला में हैं, मेरी लीला में तुम्हें सहयोग, तुम्हारी आवश्यकता है। इस प्रकार से भगवान ने उन्हें प्रबोध दिए और भगवान के आदेशों को वो लोग स्वीकार किए। नेक्स्ट डे सनातन गोस्वामी जैसे आए तो उन्हें उनको अर्पित किया। इस प्रकार से मदन गोपाल को लेकर सनातन गोस्वामी बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हुए और अपने साथ लाकर उसी जगह में एक कुटिया बनाया और वहाँ पे मदन गोपाल की सेवा करने लगे। पर सनातन गोस्वामी बाबा जी हैं, क्या सेवा करेंगे, वो बहुत धनी व्यक्ति थे, दामोदर चौबे के घर में अच्छा सेवा पा रहे थे, यहाँ पे बाबा जी उनको क्या सेवा, दिन में एक बार थोड़ा सूखा रोटी खिलाता था और कुछ मिलता ही नहीं था मदन गोपाल को। तो एक दिन ने मदन गोपाल सनातन गोस्वामी से कहा, सनातन मैं ऐसे सूखा रोटी कैसे खाऊं, कम से कम थोड़ा नमक भी तो नमक भी नहीं देते हो, वो तो ऐसे माधुकरी करके कभी आटा लाते थे उसी को, कहाँ नमक नहीं है, तो ऐसे बिना नमक के आटा से रोटी बना कर वही भगवान को मदन गोपाल को दे देते। तो एक दिन मदन गोपाल ने कहा, साक्षात सनातन गोस्वामी के साथ बातचीत करते थे भगवान, तो सनातन गोस्वामी से कहा, अनंग मंजरी, सनातन गोस्वामी भगवान के नित्य लीला के पार्षद है, तो उन्होंने कहा कि सनातन कम से कम थोड़ा नमक का तो अरेंजमेंट करो, ऐसे बिना नमक के रोटी मैं कैसे खाऊं। सनातन गोस्वामी ने कहा, देखो भाई, मेरे गुरु ने मेरे को जो आदेश दिया है, मेरे गुरु ने मेरे को आदेश दिया, उनके गुरु मतलब चैतन्य महाप्रभु तो उन्होंने कहा, मेरे गुरु ने मेरे को आदेश दिया, मैं यहाँ पे भजन करूं और पुस्तकें लिखूं, अपना भजन करूं, पुस्तकें लिखूं, तो मैं अपना गुरु का आदेश पालन करूं या तुम्हारा वो जिद पूरा करूं, तुम्हारी मांग पूरा करने जाऊं या मैं अपने गुरु का आदेश पालन करूं, बता, भगवान को ऐसा कह रहे, सोचो, तो वो कोई समझ नहीं है, स्वयं भगवान को ऐसा कह रहे सनातन, तो मेरे पास टाइम वाइम नहीं है ये सब करने का है, आज तुम नमक मांग रहे हो, कल माखन मांगोगे, कल दूध मांगोगे, कल ये मांगोगे, तुम्हारे ये फाई फरमा से जुगाड़ करते करते मेरे पास टाइम ही नहीं रहेगा, मैं गुरु का आदेश कब पालन करूंगा, मेरे लिए पहले मेरे गुरु का आदेश सबसे पहला प्रायोरिटी है, अब तुम्हें अगर प्रॉब्लम हो रहा है तुम अपना जुगाड़ कर लो, हाँ अपना जुगाड़ कर लो, मैं नहीं कर सकता, ऐसा कहा। तो मदन गोपाल ने कहा ठीक है। नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद एक बहुत बड़े व्यापारी जो कश्मीर प्रदेश के व्यापारी थे, उनका नमक का बिजनेस था, और नाव में पूरा बड़े नाव में नमक भर कर वो ले जाते थे, या मथुरा मार्केट में वो बिजनेस करते थे, व्यापारी था। तो उनका नाव जब यमुना होकर वो आ रहे थे उसी जगह में उनका नाव फंस गया। नाव जैसे नदी में कभी कहीं कहीं जल कम होता है ना, रेत और वो मतलब ऊपर से पता नहीं चलता, क्योंकि बड़े ऐसे लोडिंग नाव चलने के लिए गहरा, थोड़ा गहरा पानी की आवश्यक होता है, तो नाविक को पता नहीं चला, वहीं पे नाव, वो भगवान की ऐसे इच्छा है, वहीं पे नाव फंस गया। बहुत प्रयास करने के बावजूद वो नाव वहाँ से हिला नहीं सके। तब वो व्यापारी अपने साथियों को लेकर यमुना के इस तरफ आए, और उस समय यहाँ पर पॉपुलेशन तो था ही नहीं, दो चार ऐसे बाबा जी लोग रहते थे, कोई कोई ब्रजवासी लोग इधर आते थे। तो एक दो ब्रजवासी को देखा तो उससे कहा कि भाई साहब, यहाँ कुछ मदद मिल सकता है क्या, मेरे नाव यहाँ फंस गया, तो इस नाव को यहाँ से
चलाने के लिए कोई यहाँ कोई लोगों का उनको कुछ मतलब लोगों की आवश्यक चाहिए था जिससे नाव को वहाँ से ले जा सके। तो ब्रजवासी ने कहा कि नहीं, अगर ऐसा हुआ है, बोला हाँ हम पूरे दिन प्रयास किए, अभी शाम हो गया पर हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो ब्रजवासी ने कहा आप एक काम करो, वहाँ पे एक बाबा जी रहता है, अगर उनके पास आप जाओगे ना, ब्रजवासी को पता था सनातन गोस्वामी कैसे व्यक्ति थे, तो वो आप उनके पास जाओ, बाबा जी से आप रिक्वेस्ट करो, वो चाहे कुछ आपके वहीं से बैठ बैठ के आपके नाव को ऐसे चला देंगे। तो व्यापारी तब सनातन गोस्वामी के पास आए, आके कहा कि बाबा जी मेरा ऐसा ऐसा सिचुएशन है, क्या आप कुछ मदद कर सकते हैं? तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि देखिए मैं क्या मदद करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर आपको मदद चाहिए। उन्हें समझ गया कि आप आपका क्या व्यापार, किस चीज का व्यापार है, पूछा सनातन गोस्वामी कि मेरा तो नमक का बिजनेस है, वो पूरा नाव नमक भरा है, बड़ी नमक के बरी से भरा है। और सनातन गोस्वामी समझ गए ये इसका काम है, कल नमक मांगा था मैंने उसका कहा तुम जुगाड़ कर लो। हाँ, तो सनातन गोस्वामी समझ गए ये काम किसका है। तूने कहा देखो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये जिसका काम है अब उसके पास जाओ, उनको कहो वो कुछ कर सकता है। तब मदन गोपाल को दिखाया कि उनको बोलो। अब वो व्यापारी आके भगवान से प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु मेरे को इस सिचुएशन से निकालिए, अगर मेरा नाव यहाँ से निकल जाए ना तो मैं आपके लिए एक बड़ा मंदिर बना दूंगा। ये उन्होंने मन्नत की मदन गोपाल के पास वो व्यापारी। तब जैसे ऐसे कहा, प्रणाम करके ऐसे भगवान से प्रे करके कुटिया के बाहर आए और यमुना की तरफ देखने लगे अपने नाव की तरफ, तो नाव चलने लगा। अब नाव तब वहां से चलने लगा। अब वो जाके नाव में बैठे, मथुरा के बाजार में जब ले गए वो सारी नमक भरा बरी, अब जब सेल किया तो नमक की बरी खुलकर जिन्होंने खरीदा देखा वो नमक है ही नहीं, वो तो कपूर है। सारे नमक की बरी कपूर में डाइवर्ट हो गया, कपूर में कन्वर्ट हो गया, वो चेंज हो गया। अब नमक का किलो कितना है बताओ? मदन गोपाल को अपना मंदिर बनाना था ना, तो नमक बेचकर कितना प्रॉफिट होगा? उन्होंने व्यापारी ने मन्नत की जो भी प्रॉफिट होगा इस प्रॉफिट से आपके लिए कि मंदिर बना देंगे। तो मदन गोपाल ने सोचा इससे नमक से कितना प्रॉफिट होगा इसका, तो छोटा सा ही मंदिर बनेगा ना, तो मेरे लिए एक बड़ा मंदिर बने। तो इसीलिए भगवान मदन गोपाल ने क्या किया, उन नमक को वो कपूर में कन्वर्ट कर दिया। और कपूर एक किलो कपूर अभी आज के मार्केट में कितना, 1000 रुपया के आसपास पर किलो, और नमक 15 रुपया किलो समझे? तो उस समय भी ऐसे ही डिफरेंस था मान लो। तो उनका इतना प्रॉफिट हुआ व्यापारी का, और उस प्रॉफिट से वो व्यापारी ने वो मंदिर बनाया था। अभी जो मंदिर आप देखते हैं 3/4 मतलब सॉरी हाँ 3/4 है, 4 भाग के 3 भाग तोड़ डाला है, 1 भाग बचा है। अब सोचो कितना ऊंचाई थे, जहां आगरा से इस मंदिर के में जो दीप जलता था वो दीप दिखाई देता था आगरा फोर्ट से। मदन मोहन मंदिर के शिखर में जो दीप जलता था ना, उस दीप का रोशनी दिखाई पड़ता था आगरा से। इसीलिए औरंगजेब ने एक बार पूछा ये रोशनी कहाँ से आ रही है, तो लोगों ने बताया। और बाद में सनातन गोस्वामी के पास औरंगजेब आए भी थे, वो कथा अलग है। तो इस प्रकार से मदन गोपाल तो अपना नमक का अरेंजमेंट कर ही लिया था, अपना मंदिर भी बना लिया, और सनातन गोस्वामी ऐसे उनकी सेवा कर रहे थे। बाद में जब ये आक्रमण हुआ, फिर मदन गोपाल को उनके बाद सनातन गोस्वामी के उनका जो शिष्य परंपरा थे, नाम मैं भूल गया, वहाँ पे और भी बहुत से मदन गोपाल का बहुत लीलाएं हैं, मैं उतने डीप में नहीं जा रहा हूँ।
सनातन गोस्वामी के साथ। हाँ, एक दरिद्र ब्राह्मण आएगा जो शिव जी का भक्त था, वो धन प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना कर रहे थे, तो शिव जी ने उनको कहा सपना में, तुम वृंदावन जाओ और वहाँ पे वो सनातन गोस्वामी नाम के जो बाबा जी है उनके पास जाओ, वो तुम्हारे दरिद्रता दूर करेंगे। शिव जी ने उस अपने भक्तों को, उस ब्राह्मण को यह कहा था। तो ब्राह्मण आए थे, उनको पारस मणि मिला दिया था ना ब्राह्मण, वो कथा भी वहीं पे है जो भी। तो वहाँ पे मदन गोपाल को फिर सेवा करने लगे उनके। जब मुसलमान सैनिकों का आक्रमण हुआ तो उनको छुपाकर चले गए थे पुजारी सेवकों ने, बाद में जयपुर के राजा दोनों। इसके बीच में मदन मोहन का विग्रह सनातन को गोस्वामी को बाद में प्राप्त हुआ था। मदन गोपाल तो पहले से थे, सनातन गोस्वामी को बाद में मदन मोहन का प्राप्ति हुआ था। तो मदन मोहन और मदन गोपाल दोनों की सेवा कर रहे थे। बाद में जयपुर के राजा दोनों विग्रह ले गए। अभी दोनों विग्रह करौली में विराजमान है, आप लोग दर्शन करेंगे। मदन मोहन मंदिर के बाद थोड़ा आगे और आज हम जो गया राधा दामोदर मंदिर, वहाँ पे कृष्णदास को विराज गोस्वामी द्वारा सेवित विग्रह है राधा वृंदावन चंद्र, जयदेव गोस्वामी द्वारा सेवित विग्रह राधा माधव, जीव गोस्वामी के सेवित विग्रह राधा दामोदर। तो यहाँ पर कुछ आचार्य जो कहते हैं ये राधा दामोदर मूल विग्रह है, तो कुछ आचार्य जो कहते हैं राधा दामोदर मूल विग्रह जयपुर में है, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। हमारे पूर्वाचार्य शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद के अनुसार राधा दामोदर जी अभी जयपुर में है मूल विग्रह, पर उन बहुत से कोई आचार्यों ने कहा है नहीं राधा दामोदर नहीं गए यहीं पर, प्रतिभू विग्रह जयपुर में है ऐसा कहते हैं। तो कुछ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा नहीं राधा दामोदर जयपुर गए हैं, तो हम उसी को हमारी परंपरा में मानते हैं हमारे पूर्वाचार्य। तो जीव गोस्वामी द्वारा सेवित विग्रह राधा दामोदर, यह राधा दामोदर विग्रह श्रील रूप गोस्वामी अपने हाथों से निर्माण किए थे रूप गोस्वामी जी, और अपने भातीजा जीव गोस्वामी को वो सेवा के लिए प्रदान किए थे। रूप गोस्वामी अपने हाथों से राधा दामोदर विग्रह निर्माण किए और वो अपने भतीजा जीव गोस्वामी को वो दिए थे। और उसके बाद एक और है छेल चिकन ना भूगर्भ गोस्वामी का सेवित विग्रह, और वहाँ पर आप लोग जो चार बार परिक्रमा लगाया इसका भी एक महत्व है। जब रूप गोस्वामी जी अत्यंत वार्धक्य को प्राप्त हुए थे, वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए थे, रूप गोस्वामी ने सॉरी रघुनाथ दास गोस्वामी अत्यंत वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी दिन में 10 बार गिरिराज परिक्रमा करते थे। हम एक बार परिक्रमा करने के बाद हमारा अवस्था क्या होता है, स्थिति क्या सोचो। रघुनाथ दास गोस्वामी जी दिन में 10 बार गिरिराज परिक्रमा लगाते थे और 1000 बार वैष्णवों को प्रणाम करते थे दंडवत। 1000 बार दंडवत लगाओ एक दिन में और कुछ कर ही नहीं पाओगे, सोचो। तो यह रघुनाथ दास गोस्वामी का डेली रूटीन था। जब वो वृद्धावस्था प्राप्त हुए थे और गिरिराज को परिक्रमा करने जाते, भगवान स्वयं ने कहा कि रघुनाथ इस स्थिति में तुम परिक्रमा मत करो। तो उन्होंने रूप गोस्वामी जी एक गिरिराज शिला की सेवा करते थे, वो गिरिराज शिला वहां पर है, तुम इस शिला को परिक्रमा करो दिन में, इसी को करने से गिरिराज परिक्रमा हो जाएगा। इसीलिए जो लोग गिरिराज परिक्रमा करने के लिए अक्षम है, यह आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का कमेंट्स है,
भक्ति विनोद ठाकुर का कमेंट है, यह मंतव्य है। अगर कोई व्यक्ति यदि कोई गिरिराज की परिक्रमा करने में असमर्थ हो, वो अगर राधा दामोदर मंदिर के वहाँ अगर परिक्रमा करे चार बार, तो गिरिराज परिक्रमा के बराबर फल प्राप्त करेंगे। यह भक्ति विनोद ठाकुर का कमेंट है, ठीक है, मंतव्य है। तो वो परिक्रमा भी आप लोग चार बार परिक्रमा भी लगा लिया, और आप लोग गिरिराज परिक्रमा करने में अगर समर्थ है तो नहीं होगा, वो बात लागू नहीं होगा। अगर जो समर्थ नहीं है वो चार बार कर लिया, तो उनको गिरिराज परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद एक प्रमुख मंदिर है गोपीनाथ जी के मंदिर, जो मधु पंडित द्वारा सेवित विग्रह पास में है, वहाँ से राधा रमन मंदिर। राधा रमन गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा सेवित विग्रह राधा रमन जी, बहुत ही छोटा और बहुत ही अट्रैक्टिव। क्या टाइम हुआ, हाँ 10 बज गया, चलो तो क्या करेंगे। राधा रमन, भगवान राधा रमन बहुत छोटा सा साइज में, इतने अट्रैक्टिव आप सोच नहीं सकते। एक बार आप देखोगे ना, आप आंख घुमाने उसको मतलब हटा नहीं सकते आप दृष्टि को, इतने आकर्षणीय है राधा रमन विग्रह। और वो राधा रमन मूल विग्रह है, अभी वृंदावन में ही है, जयपुर में नहीं। तो राधा रमन जी स्वयं प्रकट हुए शालिग्राम से। गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास कोई विग्रह नहीं थी, वे शालिग्राम की सेवा करते थे। शालिग्राम समझते हैं ना। एक बार एक सेठ जी वृंदावन आए, तो गोस्वामियों को उनके विग्रह के श्रृंगार के लिए ड्रेस, ज्वेलरी, ज्वेलरी ड्रेस वो बांट रहे थे सेठ जी। तो रघुनाथ दास गोस्वामियों को भी दिया, उनको पता नहीं था कि रघुनाथ दास गोस्वामी के पास डीटी नहीं है, विग्रह नहीं है, वो सेठ जी को वो पता नहीं था। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वो सारे श्रृंगार सामग्री लेकर सोच रहे थे, मेरे भगवान तो शिला है, इनको मैं ये क्या पहनाऊँ, ये ड्रेस कैसे पहनाऊँ और ये ज्वेलरी कैसे पहनाऊँ, तो शालिग्राम है। तो ऐसे सोच रहे थे, अगर मेरे पास विग्रह होता तो मैं ये सारी चीज़ों को भगवान को श्रृंगार के लिए मैं उपयोग करता। ऐसे सोचते सोचते रात को वो सोए। जब सुबह उठे तो भगवान की सेवा करने गए, तो शालिग्राम के जगह अभी भी आप देखोगे ना, शालिग्राम से ही प्रकट हुआ है वो, पूरा दिख रहा है, पत्थर से ऐसे प्रकट हुआ है वो। राधा रमन नाम बाद में उसने रखा, और उसका बहुत सुंदर उत्सव भी हुआ, एक दिन आता है ना राधा रमन के प्रकट। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए स्वयं भगवान शालिग्राम से प्रकट हुए राधा रमन। उसके पास में है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बक्रेश्वर पंडित के दोनों विग्रह है, राधा गोकुलानंद और बक्रेश्वर पंडित के, क्या है पास पास ही है वो तीनों विग्रह, राधा गोकुलानंद, राधा रमन और बक्रेश्वर पंडित का सेवित विग्रह। क्या नाम भूल गया। इसके अलावा श्यामानंद प्रभु के सेवित विग्रह राधा श्याम सुंदर जी है यहाँ पर वृंदावन में। बंकी बिहारी हरिदास जी के सेवित विग्रह बंकी बिहारी जी है। तो हम जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तब दर्शन करेंगे, आज आप कान से दर्शन कर लिया, नेक्स्ट टाइम आंखों से दर्शन कीजिएगा। अभी टाइम भी बहुत हो गया, रात काल हमें सुबह सुबह अगला कार्यक्रम हमारी करना है। तो कल का अनाउंस करेंगे या ग्रुप में आप मैसेज भेज देंगे, अभी सभी लोग प्रसाद के लिए। पहले तो रूप गोस्वामी जी का ही समाधि था, ठीक है,
वो स्थान इतनी महत्वपूर्ण है, सभी जो वरिष्ठ वैष्णवों का, सन्यासी बाबाजियों का, जो भी आचार्यों का जो समाधि है, क्योंकि वो लोग खुद कहे थे, वो लोग खुद कहे थे कि मेरा शरीर का समाधि उसी स्थान पर दे, इसीलिए उनके अनुयायीगण वहाँ पर समाधि दिए, यह कारण है। ठीक है, उनकी इच्छा पूरा करने के लिए उनके अनुयायीगण वहीं पे समाधि दे। पहले तो केवल रूप गोस्वामी जी का ही समाधि था, सभी लोग चाहते हैं, जैसे आज के दिन में बहुत से लोग चाहते हैं काशी धाम में जाके शरीर त्याग दे, वो अपना इच्छा बोल के जाते हैं कि देख जब मैं मर जाऊंगा हाँ मेरा ऐसा ये कर देना। ऐसे ही उन आचार्यों ने उनके शिष्यों को उनको इसलिए बहुत से आचार्यों का समाधि वहाँ पर है, यह कारण। ठीक, राधाकांत बक्रेश्वर पंडित, राधाकांत, राधा गोकुलानंद, राधा रमन, पास पास है तीनों। और इसके अलावा राधा गोविंद देव जी भी मंदिर है, तो यहाँ पर राधा गोविंद देव की जो विग्रह है वो प्रतु है। राधा गोविंद देव की भी कहानी मदन मोहन की जय मदन गोपाल की जैसा ही बहुत लंबी कहानी है ना, पर अभी टाइम नहीं है। हरे कृष्णा, जय वृंदावन धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।